हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं हमारा अपना आज का ये व्लॉग। और मौसम देखो, मौसम भी बहुत साफ है, धूप हो रही है बहुत तेज। तो आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून के जू, तो चलते हैं फिर। और ये देखो नीचे, देखो मेरी ये धन्नो खड़ी हुई है जिसमें हमको जाना है। और ये देखो मेरी धन्नो धूप में बेचारी खड़ी खड़ी काली हो रही है। चलो लेट्स गो। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में, तो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या है। और ये देखो ये गेट है, यहाँ पे पार्किंग के चार्जेज हैं। यहाँ पे मेरी बाइक का इन्होंने पार्किंग का चार्ज लिया था 10 रुपये। तो चलें चलते हैं अब अंदर। ₹30 में 2 वर्ष से अधिक व 12 वर्ष से कम आयु के पर्यटक पता करके बताऊंगा कितने रुपए कर सकते हैं। 12 वर्ष व 12 वर्ष से अधिक आयु वाले पर्यटकों को एंट्री का ₹30, एक्वेरियम का ₹50 तो देखो ये है इनका यहाँ पे टिकट काउंटर। तो यहाँ पे इन्होंने मुझसे टिकट लिया है ₹90 पर हेड। ₹90 यहाँ का टिकट था जिसमें आप ऑल ओवर सब कुछ देख सकते थे, जिसमें मैं आपको भी अंदर आके दिखाऊंगा कि क्या क्या था। मतलब ₹30 एडल्ट एंट्री थी और ₹50 एक्वेरियम की फ़ीस थी और ₹10 कैक्टस गार्डन के जो कि इन्होंने लिए थे। टोटल हो गया था ₹90 पर हेड। तो चलो चलते हैं। मैंने यहाँ से अपना मतलब पेमेंट वगैरह करी इनको टिकट वगैरह की और फिर हम निकल पड़े अंदर। सो गाइस, मैंने टिकट ले लिए हैं और अब हम लोग आ चुके हैं जू के अंदर। और ये देखो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे चेकिंग होती है। ये है देहरादून का जू। और चलो शुरू करते हैं अब हम देहरादून के जू की एंट्री दिस वे। तो इधर से हम लोगों को जाना है। चलो चलें आगे, देखें क्या क्या है यहाँ पे। दिखने लगा सर। और क्या था? है क्या? No,
एक ये देखो यार, ये पता नहीं क्या जंगली मुर्गा है, बर्ड है क्या है, पर जो भी है बड़ा मस्त लग रहा है। पूरा व्हाइट कलर का, इतनी बड़ी इसकी पूंछ सी है। तो देखो इसको क्या मस्त है। और ये एक पता नहीं क्या बैठा है, ये भी जंगली मुर्गा सा ही लग रहा है मुझे। जो भी था मैं शूट करता गया और दिखाता गया आप लोगों को, पता नहीं क्या क्या चिड़िया वगैरह और बर्ड्स वर्ड्स बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे चलेंगे और देखेंगे और क्या क्या है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे एक चार्ट लगा है पैरट्स ऑफ इंडिया का। यहाँ पे हमारे इंडिया के जितने भी पैरट्स हैं उन सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई है और उनके बारे में लिखा हुआ है। देख ली सारी चिड़िया, आप क्या लिखना है? अब सारी चिड़िया देख ली, बर्ड बूट सब देख लिया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या। चलो अभी ग्राउंड स्टील 18। मगर डेंचर पार दिखेंगे इनका। मैं भी अभी तो आपने साथ तुम फ्लैट पे जाओ, तुम ही कॉटन बस ले जाना। और फ्लैट होने से पहले जब चेक कर ले, तो ये दोनों कानों में लीड आदमी लगा लेना, वो करके तोड़ता है ना बिना टिकट के। मत आना। और ये देखो यहाँ पे लोगों के फोटो शूट चल रहे हैं। यहाँ पे सस्ते मॉडल्स भी आ रखे थे। ये देखो यहाँ मस्त फोटोज़ खिंचा रहे हैं आराम से। इन्हें कोई मतलब नहीं क्या कौन सा जानवर है यहाँ पे, कौन सा नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्ट्रिच, वो भी जाइंट ऑस्ट्रिच। इतना बड़ा ऑस्ट्रिच है यार ये। ये देखो पास से दिखाता हूँ, देखो ये देखो क्या बड़ा ऑस्ट्रिच है यार ये। इतना बड़ा जाइंट ऑस्ट्रिच। दो हैं, एक पूरा पिंजरे के अंदर और एक ये पिंजरे के बाहर है। बड़ा खतरनाक है यार ये। पत्थर मार के बुलाइए उसे। चलो आगे। तो अभी देखा जाइंट ऑस्ट्रिच और अब देखिए ये स्मॉल ऑस्ट्रिच। ये भी छोटा ऑस्ट्रिच है, ये भी उसी का भाई है एक छोटा। ये देखो सुस्त पड़ा है एकदम, जैसे बीमार होगा। और एक ये वाइट ऑस्ट्रिच भी है यहाँ पे। ये ऑस्ट्रिच है क्या है ये पता नहीं, ऑस्ट्रिच ही लग रहा है वैसे तो। ये देखो सुस्त हो रखा, जैसे बीमार हो रखा होगा, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। ये क्या है तालाब सा, क्या बना है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अरे भाई इसमें तो मगरमच्छ है। ओ भाई साहब, ये इसके अंदर है मगरमच्छ। ये देखो रियल क्रोकोडाइल। ये एक दो और तीन, तीन मगरमच्छ तो यहीं लेटे हैं, धूप सेक रहे हैं मजे में। और एक हो रहा पीछे भाई साहब, और एक ये लेटा पड़ा है ये मगरमच्छ। और ये आ गए हम स्नेक हाउस पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे सांप, एक से एक सांप होंगे। चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन कौन से सांप हैं यहाँ। चलो इसके अंदर नहीं है। वही पाइथन है यहाँ पे, वही मैं भी देख रहा हूँ। मिला क्या?
तो यार रॉक पाइथन तो हम लोगों को दिखा नहीं, और अब यहाँ पे देखते हैं इंडियन कोबरा दिखता है हमको कि नहीं दिखता है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ये लेटा है मस्त, ये भी पाइथन ही है। और क्या है? और भी है क्या? एक ही है क्या यहाँ पे बस? और ये इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। एक पूरा एक वो पीछे बैठा है वो, ये देखो। ओ भाई साहब ये कितना मोटा है यार। अच्छा इसका ऊपर का पानी दिखला रहा था। क्या बात करना चाहिए बस? और ये आ गए हैं अब हम इंडियन कोबरा के पास। तो ये देखते हैं यहाँ पे इंडियन कोबरा, ये इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ओ ये रहा, ओ भाई साहब एकदम काला नाग जिसको बोलते हैं, ये देखो कैसे चल रहा है, भयंकर है भाई ये, खतरनाक इंडियन कोबरा। ये हमारा काला नाग जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, आइडेंटिफिकेशन भी दे रखी है इसकी। और ये देखो ये जा रहा है वो अपने भाई के पास जा रहा है वो, दो दो है यहाँ पे यार इंडियन कोबरा। ये देखो ये पहुँच गया वो अपने भाई के पास, और ये गया वो अपने भाई से मिलने और घुस गया उसी के साथ। ये देखो कैसे मिल रहे हैं दोनों भाई। कॉमन सेंड हुआ बॉल पाइथन। खत्म, गिनती के चार पांच सांप दिखे। तो अभी हम लोगों ने देखे सांप, जो कि ज्यादा वहां पे सांप थे नहीं, गिनती के कुछ ही तीन चार हम लोगों को सांप दिखे। और अब हम लोग चलते हैं एक्वेरियम पे, यहाँ के बारे में मैंने बहुत सुना है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फिशेस हैं, तो देखते हैं अंदर कैसी कैसी फिशेस हैं। मैंने बहुत सुना है बस यहाँ के बारे में। और ये देखो ये आ गया है हमारा एक्वेटिक वर्ल्ड, और ये बंदा बैठा है यहाँ पे, ये टिकट चेक करेगा फिर हम लोग अंदर जाएंगे। चलो ले जाता हूँ आप लोगों अंदर अब। पानी में करंट है जो कौन सी मछली है सर।
और ये देखो यहाँ पे, ये है गोल्ड फिश। क्या प्यारी लग रही है यार ये, इतनी सारी मछलियाँ, बहुत ही मस्त, मतलब सेक्सी एकदम। अंदर जो नज़ारे हैं ये मछलियाँ यार, और ऊपर से यहाँ पे गाने चला रखे हैं इसने ऐसे, बड़ा मस्त। यहाँ से तो निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। और ये देखो क्या सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं यार यहाँ पे, मतलब मज़ा ही आ गया। देखते रहो अभी आप, क्या मस्त मस्त मछलियाँ दिखती है। यह है सिल्वर एरोबोना, इसको देखिए कैसा देखिए। अच्छा 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 सिल्वर।
गाइस कमेंट करके बताओ ये मछली जिंदी है या मरी हुई है या एक्टिंग कर रही है, हिल नहीं रही है कुछ भी। तो यार भाई लोग, अब हम लोगों ने मछलियां तो देख ली हैं, वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर मछलियां थी। वहाँ से बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन टाइम को देखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे और चीज़ें भी देखनी है। सो लेट्स गो। चल अब चलेंगे हम कैक्टस गार्डन में। अभी हमने देखी फिशेस, अलग अलग वेराइटीज़ की, अब देखेंगे कैक्टस। कैमरा मैन चलो यहाँ दिखाना है। क्या बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, ये कैक्टस देखने का दिया है 20 रुपये। हाँ कैक्टस से बढ़िया तो लगा मेरी बात क्या करते हैं। और यह है कैक्टस पार्क का ब्रिज, बहुत ही टफेस्ट ब्रिज है, इसको पार करना किसी की बस बात नहीं है। यहाँ के लिए स्पेशली हमने 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। वो भाई साहब इतना भयंकर ब्रिज, वो ये देखो इस मोटे को, ये उदास है, अच्छा बना रखा है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कैक्टस गार्डन और अब हम लोग आ चुके हैं शेर को देखने। देखते हैं अब हम लोगों को शेर दिखता है या नहीं। और देखो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं दिखेंगे अब। हिरन हिरन पूरे हिरन इतने सारे, क्या है 12 सिंगा। चला चलते हैं आगे, देखते हैं आगे चलते हैं क्या है क्या नहीं। स्पॉटेड डियर प्रॉपर्टी बाय गुप्ता फैमिली। आजा आजा, मैंने बोला था एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमें ये दिखे क्या है, बारह सिंगा यह ढाबा का फेमस स्पॉट, एक से एक मिलते हैं। अभी गोरिल्ला भी दिखेगा, वो देखो देख, वो देख पाया अंकर, देखा तुम पार खत्म, कुछ नहीं अब एकदम जो कुछ था यार। ये कपल पार भी यहाँ पर बताया नहीं, वीडियो बनाते कैसे कैसे थे। अभी देखो क्या करना, अभी हमने मैंने कैमरा दिया, छुपया हाँ लास्ट तो यही रहेगा, चला ना देख रहे चबूतरे में बैठना सब बनाए। चलिए चबूतरा
इधर को चलना, वो पाली नहीं है। चलो अब मैं मिलाऊंगा तुम्हें अपने दोस्त से। ये मेरे दोस्त मेरे घर के साइड बहुत है, ये देखो कैसे वहाँ पर आतंक बता रहे हैं। सहाल है यहाँ पे क्या है? ये देखो मुझे यहाँ पे क्या दिखा, कहाँ से ऊपर देखो क्या देखेंगे। स्पॉटेड ऑलिट, ये बैठा है। ओ भाई तेरी आंखें, ओह ए फोटो खिंचाएगा? ये पोज मारियो पोज। यस यस यस, एक और कोई दूसरा। हाँ 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 बहुत बढ़िया, एक पोज और। रील बनाओ 15 सेकंड की, 15 सेकंड की रील। नहीं क्या करना है फिर, जाऊँ अब? तुम्हारे बारे में कहाँ लिखा है यहाँ? ब्राउन वुड हाउस, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हर चीज़ लिखा है इसके बारे में यहाँ पे। और दूसरे उसमें तो खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे होता है हमारा देहरादून का ज़ू ख़त्म। और अब हम पूरा घूम चुके हैं देहरादून के ज़ू में, और हम लोगों ने यहाँ पे देखी बहुत सी बर्ड्स, बर्ड्स की वैरायटीज़ थी यहाँ पे अलग अलग। और हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्रोकोडाइल, और देखा हमने ऑस्ट्रिच, और देखा हमने टर्टल्स, स्नेक्स। जो सबसे बढ़िया यहाँ पे मुझे लगा वो थी फिशेस, मतलब एक नंबर जिसे बोलते हैं पैसा वसूल यार, वो क्या एक्वेरियम था, मज़ा ही आ गया वहाँ पे तो। और शेर हम लोगों को दिखा नहीं, तो कोई बात नहीं, शेर नहीं दिखा। सो आज का व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।